कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है, यहाँ भाटकर दादा की सेवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा, वापस आ गए साले। तो मनिया सुरवे के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुरवे के लिए जवाब चाहिए तेरे को? जवाब चाहिए तेरे को? ये ले मेरा जवाब। चल सुरवे। मुत्याना, आज के बाद जब भी तू मनिया सुरवे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा, देगा ना, हफ्ता देगा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ पप्पू पाटिल की फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुरवे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है। बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा? आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ धोधा बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी लेकिन वो समझा नहीं, कुछ चला गया सारा। अरे क्या नाम था उसका? सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवा कर अंदर करवा दिया, और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया। किस्सा ही खत्म कर रहा। किस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुरवे भार्गव सुरवे का छोटा भाई। तू मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल।
काम करेगा? हाँ, वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान, हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है और हर आइटम के तीन चैप्टर होते हैं। चैप्टर वन, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो, ये शाम मस्तानी मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास। करेक्ट। फिर चैप्टर दो शुरू रफी साहब का, अबे जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है। तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का, जब लड़की तुम्हें छोड़ के तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरम का काम करते हैं। और फिर क्या, फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर रफी मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। वेटर, हाउ कैन दे यूज सच लैंग्वेज? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी किसको प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में बोले तो ठीक है हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो बी इंडियन, अब्यूज इंडियन, चल भाग। अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। माफी के पहले दो अक्षरों में माँ है, क्या पता तुझे माफ कर देती। नहीं करती, क्योंकि मुझ में उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। यानी कि तूने राधा को भी खोया और यशोदा को भी? नहीं, राधा का संगम होना बाकी था। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ मिलोगे। पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं, ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के एक साल बाद उसी की बेवा बनी तो तुम्हारा दर्द कम होगा? और इसके बाद